टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के चांद नगर अमीनाबाद में कल शाम में करीब 4 बजे के आसपास दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। ये मारपीट हिना चौल में हुई है। इसी चौल में मुनव्वर सोलंकी, उनका परिवार सायरा खातून, नाजिया खातून, फरीजा सोलंकी, नसरीन शेख रहते हैं। इसी हिना चौल में चांदनी और अतीक खान, शबनम खान भी रहते हैं। ये दोनों परिवारों के बीच में झगड़ा हुआ और जमकर मारपीट भी हुई। यहाँ तक कि कुछ युवक भी बुलाए गए जो तलवार लेकर यहाँ पहुँचे और काफ़ी हंगामा हुआ, जमकर मारपीट भी हुई। दरअसल दोनों पक्षों से जब हमने बातचीत की तो बात सामने आई कि नसीरीन शेख के घर में एक युवक जो मंद बुद्धि का है, जिसकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, उस युवक को चांदनी ने पहले थप्पड़ मारा, जिसके बाद परिवार के लोग पूछताछ के लिए गए कि क्यों मारा। इस पर विवाद बढ़ गया। वहीं जो दूसरा पक्ष है चांदनी, उनका कहना है कि एक सब्जी वाला सब्जी बेचने आया था और ये मंदबुद्धि यानी कम दिमाग का लड़का उसे भगा रहा था। मना किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद चांदनी ने उसे मार दिया और फिर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। हालांकि इसी दौरान किसी ने कुछ युवकों को बुला लिया और तलवार युवकों ने निकाल ली। हालांकि तलवार से किसी को मार नहीं लगी है, मगर जो युवक वहां आए थे, मुनव्वर सोलंकी का कहना है कि चांदनी ने इन लड़कों को बुलवाया था जिन्होंने उनके साथ मारपीट की है। चांदनी का कहना है कि लड़कों को उन्होंने नहीं बुलवाया था, बल्कि आरोप लगाया कि लड़कों को मुनव्वर के तरफ से बुलाया गया था। दोनों पक्षों की तरफ से महिलाओं में, युवकों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं और दोनों पक्ष मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां पुलिस पर भी शिकायत न सुनने का आरोप ये लोग लगा रहे हैं, मगर पुलिस ने दोनों तरफ से एनसी ली है। हमारी खबर कवर करने तक दोनों पक्ष मुमरा पुलिस स्टेशन में ही थे। पुलिस इनसे पूछताछ भी कर रही है कि क्योंकि दूसरा पक्ष तलवार लेकर जो युवक आए थे उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। दोनों पक्षों के तरफ से महिलाओं के चेहरे पर नाखून के खरोच के निशान, ये दोनों पक्ष के जो महिलाएं हैं उनके चेहरे पर हैं। एक महिला के मारपीट के दौरान सिर के बाल भी कुछ निकल गए हैं। सबसे पहले हम फरीजा सोलंकी, नसरीन मुनव्वर सोलंकी ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। क्या नाम है आपका और कैसे ये विवाद हुआ? मेरा नाम खान फरीजा समीनला है। मेरे साथ विवाद ये हुआ, मेरा भाई एक मेंटल है, उसको ज़बरदस्ती मारा गया समाज, फिर भी हम लोग ने कुछ भी नहीं बोले। उसकी वजह से हमारी माँ बहन को गाली, भाई लोग को गाली दिए जा रहे। चांदनी है, उनके हस्बैंड है और उनका भाई और 4-5 बहन है उनकी। उन लोग आए हम लोग पर डायरेक्ट हमला कर दिए। हमला करने के बाद उन लोग फिर हम लोग के ऊपर हमला किया। हम लोग जब चौकी आए, मैं चौकी आई, पुलिस वाले को बोली कि सर देखो ऐसे ऐसे इन लोग ने मारे मेरे को, कोई ने नहीं सुना। बोले हाँ ठीक है, एनसी लिखाओ, आप जाओ घर पे, हम लोग पुलिस भेजते। पुलिस भी नहीं भेजे उन लोग ने। और फिर सेकंड टाइम आए तब पुलिस गई है घर पे। जब उन लोग तलवार उलवार निकाले ले, उन लोग अपनी पब्लिक बुलाए ले लड़के लोग को, तब तलवार निकाले, तभी उन लोग सलमान नाम का लड़का और जितने भी वहाँ पे थे उन लोग किसी को भी इन लोग ने अंदर नहीं किए, ज़बरदस्ती मेरे भाई को अंदर किए ले, जो कि उसने कुछ भी नहीं किया है। हम लोग के पास गवाह भी है, हर चीज है। किसने बुलाया था लड़कों? लड़कों को ये चांदनी, उनका आदमी और उनकी तीनों बहनें बुलाए थे। सलमान ने तलवार लेने वाला, चौपड़ी पर सब लेकर आए थे उन लोग ने मारने के लिए। पंद्रह 20 जन थे जी सर। लेडीज भी ऐसा मार रही है, ऐसा मार रही है हम लोग को।
मेरी सब हर चीज ए टू जेड इधर उधर हो गया था। तलवार लगा शुक्र है किसी को नहीं लगा। फिर क्या कहाँ कहाँ आप लोगों को लगी? हम लोग एनसी भी लिखा रहे मगर हम लोग को बोल रहे तुम लोग के दोनों तरफ से एनसी जो वो बनेगा ऐसा बनेगा वो बनेगा। मेरे को इतना मारे ले कि मेरा पूरा सर में का बाल चला गया है, थोड़ा से पूरा ये चेहरा इरा खराब हो गया है, पूरे पीठ पे मारे, कमर इमर सब दुख रही है। किसने मारा ये लेडीज लोग ने मारे और जेंट्स ने लात मेरे पेट पे भी मारा, ये लड़की के पेट पे भी मारा है जेंट्स ने। तो हम लोग बोले भी पुलिस वाले को मगर वो जेंट्स लोग को ले रहे ही नहीं अंदर। हमारी सुन नहीं रही है, पुलिस उन लोगों की सुन रही है। जब से वो लोग आए उन्हीं लोगों की सुन रही है। हम जा रहे तो हमको भगाया और हमारे पूरा घटना हुआ कब था? ये हुआ था चार बजे के बीच में। हाँ कल शाम में 4 बजे के बीच में। जो चैप्टर जिसमें लगा रहे वो कौन लड़का है? जो आपका बाबू है वो मेरा भाई है। अच्छा, एक एक अंदर है। हाँ, और जो कि सर उसने कुछ भी नहीं किया उसको हम लोग ने ताला मार के दिए। लिखे है कि हम ब्लेंड मगर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे, कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे। और जो तलवार निकाला था हमको वो चाहिए तो चाहिए, और जो जेंट्स में आया था जो जो तलवार और जो लेडीज मारी है उन लोग भी चाहिए हम लोग को। क्यों सर हम लोग अकेले थे? हम लोग तीन दो ही जन थे। हम लोग को लोग ने इतना मारे, आप वीडियो भी देख सकते हो, हमारे पास वीडियो भी है, कोई वो नहीं है। हम लोग सबूत भी लेके चला, जो मेरा भाई वीडियो बना रहा था उसको पत्थर फेंक फेंक के लेडीज सब लेडीज मार रही थी। मेरे बाप तक का साइकिल उठा के मारने लग गए मेरे अब्बा को, जो कि वो बूढ़े थे उनको साइकिल उठा के मारने लग गए। जो लोग आए थे मारपीट करने के वो लोग अमीनाबाद के नहीं, इन लोग ने बुलाए थे मतलब जिसने मारे थे ना हम लोग को उन लोग ने ही बुलाए थे। इन लोग के सब रिश्तेदार थे। हाँ, दौलत नगर से, नगर से चंदीपाड़ा से आया, वहाँ से सलमान आया था जो तलवार उठाया था, वहाँ का रहने वाला है। ये मारपीट किस लिए हुई थी, क्या वजह थी? एक मेंटल मेरा भाई है उसी के ऊपर से हुआ था, उसके ऊपर से इन लोग ने क्या किया, मेरे जो भाई घर में थे ना उन लोग गाली वाली सब ए टू जेड देने लग गए। उन लोग की गलती नहीं है। वो क्या किया था ऐसा? उसने ऐसा क्या किया सर, बाहर ना वो टोकरी जो भाजी जी बेचते है ना उन लोग को वो छेड़ रहा था, तो चांदनी ने उसको बुलाई, बोले भड़वे इधर आ। तो वो बोला क्यों गाली दे रही हो आपा तुम मेरे को? तो उसने ऐसा बोला ना, तो आई कान के नीचे उसके बजा दी। उसके कान के नीचे बजाने के बाद मेरी माँ गई पूछने के लिए कि आपने क्यों मारे उसको, तो बोलती तेको क्या करने का, पहले अपने बेटे लोग को संभाल, बोले तेरी लड़की बोले भाग गई है बोले करके। मेंटल है ऐसा कुछ सर्टिफिकेट? हाँ सर है हमारे पास सर्टिफिकेट भी है। चांदनी का जो है कहना है कि जो लड़के आए थे वहाँ पर उसे उन लोगों ने नहीं बुलाया था, आप लोगों ने बुलाया था क्या? हम लोग बुलाएंगे तो क्या, हम लोग को ही मारेंगे वो? हम लोग कई को बुलाएंगे? हम लोग तो किसको बुलाए नहीं थे, यहाँ तक कि मेरे दो साले को भी अंदर हम लोग ने ताला मार के रखे थे कि झगड़ा नहीं करने हम लोग को। उन लोग ने लेडीज आई, 8 लेडीज आई है, 15-20 छोकरे आए हैं, छोकरे आके तलवार अलवार निकाल के मेरे ससुरे को मारे, मेरे साले को मारे। हाँ उन लोग अगर हम लोग बुलाएंगे हम लोग को तो हम लोग को ही मारेंगे क्या उन लोग? लेकिन उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने किसी को नहीं बुलाया था, आप लोग बुलाए थे? नहीं, उनका जो भाई है ना अख्तर है, मेन जो अख्तर है ना वो गुल है। अच्छा। जो मैकेनिक है वो अपना एमएम वाली में उसकी गैरेज है वो गुल है, और ये जो दूसरा है ना इन लोग ने सब भाई लोग ने छोकरे बुलाए थे, लंका के और चन्नीपाड़ा के लड़के लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनव्वर सोलंकी। वही दूसरा पक्ष चांदनी शबनम अतीक खान है, जिन लोगों का कहना है कि लड़कों को उन लोगों ने नहीं बुलाया था, इन लोगों ने मारपीट की है। सुनिए चांदनी ने क्या कुछ आरोप लगाया है। क्या हुआ था पूरा मामला, ये जो आपके ऊपर बोल रहे कि आप उनका कोई मतलब थोड़ा मेंटली आदमी है या लड़का है उसको आपने गाली दिए थे या मारे थे, ऐसा उसने कुछ मुझे थे? गाली दिया था उसने, वो झाड़ वाला था और वो झाड़ वाले के लिए मतलब उसने उसको गाली दे रहा था, ठेला जल्दी से मेरे चाली में से निकाल। तो वो सामने वाली एक औरत बोली, बोले जा रहा है, फिर वो बोलता है नहीं तो अभी तेरा ठेला पलट दूंगा, नहीं तो तेरे को अभी मारूंगा। तो मैं बोली अरे वो जा रहा है, दो पैसे के लिए लॉकडाउन चालू कर रहा है, जाने दो चला जाए। तो मुझे वो गाली देने लगा, वो मुझे गंदी गाली दिया। उसके बाद मैं बोली किसको दे रहा गाली? तो बोला ये तेरे को दे रहा। तो मैंने बोली रुक जा मैं तेरे को बताती हूँ। तब तक उसने मेरा हाथ पकड़ा, बस मैंने खींच के थप्पड़ मारी। क्या वो लड़का पागल है? वो पागल नहीं है, ये लोग पागल करार दिए। अच्छा, लेकिन उन लोग का ऐसा कहना है कि आपने उस दौरान जो है कहीं बाहर के लड़कों को बुलाए तो तलवार उरवार लेकर आए और मारपीट हुआ ऐसा कुछ? कौन लोग थे वो जो लोग आए थे? लोग जो बोल रहे तो वही बात मैं भी बोलती थी, उन्हीं के तरफ से होंगे तो
अभी आप पुलिस स्टेशन में आए तो क्या किसी कंप्लेंट हो रही है? अब दोनों जन की सुनवाई हो रही है, जो जैसा जो बोल रहा है वैसा वो सुन रहे हैं। यानी कि जो आए थे वहाँ पर वो लोगों को आपने नहीं बुलाया था? हम लोग नहीं बुलाए। बहरहाल दोनों तरफ से मारपीट का जिक्र हो रहा है, एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है, मगर उन युवकों को कौन बुलाया था, किसने तलवार निकाली थी, दोनों पक्ष एक दूसरे पर इसका आरोप लगा रहे हैं। पुलिस की तरफ से दोनों पक्षों की तरफ से एनसी ले ली है और इन लोगों से पूछताछ कर आगे की जाँच पड़ताल मुंब्रा पुलिस कर रही है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।